पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। नमस्कार साथियों, WCL दीप ज्योति की इस कड़ी में मिलते हैं श्री उदय सिन्हा, चीफ मैनेजर एक्सकेवेशन विजिलेंस से, जिन्होंने आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस तथा स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी बड़ी चुनौतियों पर अपने फोटोग्राफी के टैलेंट से जीत हासिल की। नमस्कार, ये फोटोग्राफी का शौक मुझे काफ़ी दिनों से रहा है, लेकिन 2008 में मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा। मैंने अपने आप को बर्ड फोटोग्राफी से जोड़ा, क्योंकि बर्ड्स ऐसी है कि आपको चारों तरफ मिलेंगी, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रहा वर्क लाइफ बैलेंस का बात, ये जो मोनोटोनस रूटीन हम पूरा एक हफ्ता जो ऑफिस में बिताते हैं, सुबह आप 10 बजे ऑफिस आइए, शाम को घर जाने के बाद फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह वही चक्र फिर शुरू हो जाता है। तो मैं संडे को सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकल जाया करता था, कहीं भी ऐसी जगह जो मिले जहाँ पे बर्ड्स दिखाई पड़ती थी, वहाँ जाके मैं 3-4 घंटे अपना समय देता था और फोटोग्राफी करता था। और वो फोटोग्राफ्स जब मैं फिर आके अपने लैपटॉप पे या पीसी पे देखता था, तो मुझे जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और जिसको कंटेंटमेंट बोलते हैं कि हाँ मैंने खुद से कुछ किया, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता था वो और कहीं नहीं मिल सकता। उसके बाद जब हम ये अपने हॉबी को परस्यू करते हैं, अपने हॉबी से जुड़ते हैं, उस समय आपको वर्क से आप एकदम दूर रहते हैं, फैमिली लाइफ से भी एकदम दूर रहते हैं, भले ही वो 4 घंटे के लिए हो, लेकिन वो 4 घंटे जो क्वालिटी हो के 4 घंटे होते हैं, वो आपको बहुत लंबे समय तक आपको रिफ्रेश रखते हैं, और वो अगले हफ्ते काम करने के लिए आप में पूरी ऊर्जा भर देते हैं। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये इस तरह हेल्प करता है कि जब हम अपने आप को, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट नहीं करेंगे और उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो घूम फिर के हमको वही चीज़ें बार बार जो हैं उसी पर हम केंद्रित रहेंगे। लेकिन जब हम अपना पैशन परस्यू करते हैं, अपनी हॉबी परस्यू करते हैं, उस समय आप स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं अपनी हॉबी के ऊपर। जो टैलेंट आप लेकर चल रहे हैं, फ़ोटोग्राफी जैसे मैंने लिया, तो मैं उसमें रहता हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ्स को अपने देखता हूँ कि मैंने क्या फ़ोटो खींचे, किस में क्या कमी थी, किसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये करते हुए वो जो समय बीतता है, उस समय आप बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, और जब आप डिस्ट्रेस्ड होने के बाद फिर आप अपने काम से जुड़ते हैं, तो आप एक नई ऊर्जा के साथ, एकदम फ्रेश माइंड के साथ जुड़ते हैं।